Good morning, kids. Good morning, ma'am. Good morning. So, kids, today we are going to start our new chapter, which is Magnificence of Trees. Magnificence of Trees. Yeah, this is our new chapter. Means, इसमें हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? ट्रीज की. तो मैग्निफिसेंस मीन्स पेड़ों की महिमा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? इसका क्या इम्पोर्टेंस ही है हमारी लाइफ में. ओके, सो इन दिस चैप्टर वी कवर सम टॉपिक्स विच इज व्हाट इज फॉरेस्ट, डीफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स एंड राजस्थान. ओके, फूड चेन एंड फूड वेब. ओके, सो लेट मी स्टार्ट. ओके, नाउ लेट्स वी टॉक अबाउट फॉरेस्ट. लेट्स टॉक अबाउट फॉरेस्ट. ओके, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट होता क्या है? तो एज यू सी, यू ऑल नो वाइल्ड एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट. जितने भी वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में. व्हाई दे लिव इन फॉरेस्ट? क्यों रहते हैं फॉरेस्ट में? बिकॉज उनका हैबिटेट है, उनका नेचुरल होम है. सो दे लिव इन फॉरेस्ट. ओके, सो अ फॉरेस्ट इज अ लार्ज लैंड थिकली कवर्ड विद ट्रीज, श्रब्स एंड मैनी अदर. यस, सो किड्स, जैसे कि आपने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया था, काइंड्स ऑफ ट्रीज, काइंड्स ऑफ ट्रीज, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ ट्रीज, और काइंड्स ऑफ प्लांट्स, सॉरी, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ प्लांट्स, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स, दीज आर द काइंड्स ऑफ प्लांट्स. रिमेंबर, ट्रीज आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स, श्रब्स आर बुशी एंड स्मॉल प्लांट्स, इनकी हाइट ट्री से थोड़ी कम होती है, ठीक है? नेक्स्ट आर हर्ब्स, विच आर वेरी स्मॉल प्लांट, वेरी स्मॉल प्लांट. यस, जैसे कि अगर हम हर्ब्स की बात करेंगे तो ग्रास प्लांट, ग्रास जो आप नॉर्मली देखते हो, ग्रास, राइस का प्लांट, ये सब हर्ब्स हैं. कोरिएंडर हो गया आपका, है ना, मिंट हो गया, ये सब क्या है? हर्ब्स हैं, है ना, बिकॉज इनका जो स्टेम होता है वो ग्रीन होता है और आप उसको आसानी से ब्रेक भी कर सकती हो. अब जब श्रब्स की बात करेंगे तो स्मॉल एंड बुशी प्लांट्स, जस्ट लाइक रोज, कॉटन, तुलसी, दीज आर श्रब्स, दीज आर श्रब्स, बिकॉज देयर स्टेम्स आर वुडी. उनकी स्टेम्स कैसी होती है? वुडी स्टेम होती है. नेक्स्ट है ट्री. ट्रीज आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स. यस, आप लोगों को सबको पता है ट्रीज के बारे में, तो ठीक है. अब यहाँ उसके मैग्निफिसेंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है? सो फॉरेस्ट इज अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड. लैंड आपको पता ही है, जिस प्लेस पे आप भी रहते हो वो लैंड है, ठीक है? तो लार्ज एरिया होता है फॉरेस्ट, बहुत बड़ा एरिया होता है, जो थिकली मतलब बहुत पास पास में वहां पर क्या होते हैं? ट्रीज होते हैं, श्रब्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं. तो फॉरेस्ट में आपको सिंगल, जब आप उसको हाइट से देखोगे तो आपको पूरी ग्रीनरी ग्रीनरी लगेगी. जब हम लोग कभी एरोप्लेन से अगर आप लोग गए हैं और अगर आप नीचे की साइड देखते हो, हेलीकॉप्टर से भी जाते हैं, तो आपको नीचे बहुत ज्यादा ग्रीन ग्रीन दिखता है, आपको लैंड बिल्कुल भी नहीं दिखता है ना. फॉरेस्ट के ऊपर से जब जाते हैं तो वो बिल्कुल थिकली कवर्ड है, क्योंकि उसमें टॉल प्लांट्स भी हैं, बुशी प्लांट्स भी हैं, ठीक है, और छोटे छोटे से हर्ब्स भी है, इसलिए वहां पे आपको लैंड नहीं दिखता है, ठीक है? सो नेक्स्ट इज फॉरेस्ट प्रोवाइड अर्ली ह्यूमंस. अर्ली ह्यूमंस मीन्स जब ह्यूमंस इस अर्थ पर आए थे तब उन लोगों को कुछ नहीं आता था, वो आपके जैसे ना तो वेल एजुकेटेड थे, ना उनको फूड ईट करना आता था, ठीक है, ना उनको क्लोथ्स वियर करने आते थे. तो धीरे धीरे ह्यूमन ने सर्वाइव करना सीखा ना नेचर में. तो अर्ली ह्यूमंस, वो उन वाले ह्यूमंस की बात हो रही है, ठीक है? अर्ली ह्यूमंस विद फायरवुड, उनको क्या दी उन्होंने? फायरवुड मतलब खाना पकाने के लिए लकड़ियां दी, ठीक है? किसने? नेचर ने. ये फॉरेस्ट से लिया उन्होंने, ठीक है? और नट्स, फ्रूट्स,
फ्रूट्स, नट्स और फ्रूट्स का वो क्या करते थे, ईट करते थे, ठीक है, एंड प्रोटेक्टिंग फ्रॉम हार्श वेदर। ओके, उनको हार्श वेदर से भी कौन प्रोटेक्ट करता था, फॉरेस्ट, है ना। फॉरेस्ट आल्सो प्रोवाइडेड लॉग्स फॉर राफ्ट, लॉग्स फॉर राफ्ट, क्योंकि देखो अर्ली ह्यूमंस के जो व्हील्स थे वो पहले तो नहीं थे, उसने तो अर्ली ह्यूमंस उसका इन्वेंशन किया था, ये भी आपने फोर्थ क्लास में इसके बारे में पढ़ा था, है ना, 29 चैप्टर में अर्ली ह्यूमंस के बारे में जो हमारा था, है ना। तो अब ये जो लॉग्स थे तो क्या करते थे, वो लोग ऐसे लॉग्स बनाते थे और इससे क्या करते थे, राफ्टिंग, इसको बैठ करके आसानी से स्विम कर लेते थे। ओके, आसानी से बैठ कर एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जा सकते थे। नेक्स्ट, ब्रांचेस फॉर बिल्डिंग शेल्टर्स, तो उन लोगों के पास सीमेंट, ब्रिक्स, ये सब नहीं था, जो आज हम लोग जिससे हमारा हाउस कंस्ट्रक्ट होता है ना, तो उनके हाउसेज वो कैसे बनाना सीखे थे, ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। ओके, मटेरियल फॉर यूटेंसिल्स एंड वेपन्स, तो उस टाइम स्टील के कोई यूटेंसिल्स नहीं थे, ना ही वेपन्स थे जो आज के वेपन्स हैं, और जो अर्ली ह्यूमंस के पास वेपन्स थे तो वो अर्ली ह्यूमंस जो है वो स्टोन्स के वेपन्स बनाता था, जो उसके हथियार होते थे वो किसके बने होते थे, स्टोन्स के, एंड ट्री की जो आपके ये होती ना ट्रंक, उसको उससे वो बनाते थे, वुड से बनाते थे, क्यों, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, आर यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, व्हाट इज फॉरेस्ट, वन लेट मी, यस यू, यस, वेरी गुड, सिट डाउन बेटा। Our next topic, forest also serve modern, this is modern, okay, modern, यहाँ पर ये wrong spelling, modern नहीं है, modern human beings in many ways, तो जो forest थे उन्होंने early humans को तो बहुत सारी चीजें दी, ठीक है, लेकिन अब हम जो human beings हैं, हम लोग modern human beings हैं, ठीक है, तो हम लोगों को ट्रीज क्या क्या देते हैं, फॉरेस्ट क्लीन द एयर फॉर अस, जो फॉरेस्ट होते हैं आप जो एयर ब्रीथ करते हो, ऑक्सीजन लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हो, तो इसमें जो डस्ट पार्टिकल है, अगर आपके पास फॉरेस्ट रहेगा तो आप कैसी एयर लोगे, फ्रेश एयर ब्रीथ करोगे, है ना, तो जो फॉरेस्ट है वो आपको क्लीन एयर प्रोवाइड करवाते हैं। सेकेंड, फॉरेस्ट आर ग्रेटली रेस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल, तो जिस प्लेस पर जितने ज्यादा ट्रीज होते हैं उस प्लेस पर उतनी ज्यादा रेन होती है ना, और अगर अगर ट्रीज होंगे तो रेन मिले होगी क्या, रेनफॉल होगा नहीं होगा ना, तो ये आप लोगों ने हमेशा, आप लोगों ने फर्स्ट से आप फोर्थ क्लास तक जब आपने स्टडी किया तो आपने हमेशा पढ़ा था कि डेजर्ट रीजन, तो क्या होता है डेजर्ट रीजन में, क्योंकि वहाँ पर ट्रीज कम होते हैं, फॉरेस्ट नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर रेनफॉल क्या होता है, बहुत ही लिटिल, बहुत कम रेनफॉल होता है ना, और जिस प्लेस पर ज़्यादा फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर अच्छा रेनफॉल होता है, ठीक है, तो रेनफॉल के लिए भी कौन रेस्पॉन्सिबल है, फॉरेस्ट, क्लियर, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, लीव्स ऑफ ट्रीज गिव आउट एक्सेस वाटर, एक्सेस का मीन्स क्या होता है, ज्यादा वाटर, है ना, तो ये क्या करती है, लीव्स से क्या होता है, बहुत जब आपका ट्रीज होती है वो क्या करती है, सॉइल से वाटर लेती है, पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़े थे, हाँ, फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा था, सॉइल किस कहाँ से लेती है, उसकी जो रूट्स होती है वो वाटर अब्जॉर्ब करती है सॉइल से, ठीक है, अब पूरे प्लांट के पास जब वाटर पहुँच गया तो एक्स्ट्रा वाटर जो है वो लीव से क्या होगा, आउट होगा, जैसे आपके स्वेटिंग आती है, आप भी वाटर ड्रिंक करते हो, फिर आपका जो एक्स्ट्रा वाटर है वो आपके स्वेटिंग के थ्रू बाहर चला जाता है, सिमिलरली प्लांट्स में भी होता है, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो लीव्स आउट कर देती है, ठीक है, और आपने वाटर साइकिल भी पढ़ी थी,
ठीक है, तो दिस लीड टू क्लाउड फॉर्मिंग एंड रेन. अब एक्स्ट्रा वाटर क्या करेगा, क्लाउड बनेगा, है ना, इवेपोरेशन होगा, ऊपर जाएगा स्काई में जाके क्लाउड बनेगा. आपने वाटर साइकिल पढ़ी थी ना बेटा, तो मान लो जैसे ये लीव्स है, ठीक है, अब यहाँ से क्या है एक्स्ट्रा वाटर एज अ वाटर वेपर कहाँ जा रहा है, स्काई में जा रहा है, और स्काई में जाकर के क्या फॉर्म हो जाएगा, क्लाउड फॉर्म हो जाएगा. अब ऑब्वियसली जब क्लाउड में बहुत ज्यादा रेन और वहां पे कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होगा तो फिर से क्या हो जाएगी, यहाँ पर रेन क्लाउड बनेगा. जब ये इसको होल्ड नहीं कर पाएगा तो क्या हो जाएगी, यहाँ पर रेन हो जाएगी. तो वाटर जो है वो जहां से भी आता है, चाहे आपके वेट क्लोथ्स हो, ठीक है, चाहे अर्थ पे कहीं से भी वाटर हो, वो सब इवेपोरेट होता है ना, इवेपोरेट होता है. तो लीव से भी वाटर क्या होगा, एक्स्ट्रा वाटर इवेपोरेट होकर के ऊपर जाएगा और क्लाउड्स बनेगा. तो जितने ज्यादा फॉरेस्ट होंगे उतना ज्यादा वाटर कहाँ जाएगा, इवेपोरेट होकर के क्लाउड्स फॉर्म करेगा. समझ में आ रहा है, अब क्लाउड फॉर्म होने के बाद में क्या होगी, रेन. अंडरस्टूड, इज इट क्लियर, दिस पॉइंट इज क्लियर. ओके, नाउ वी गेट वुड फ्रॉम फॉरेस्ट. हमें फॉरेस्ट से क्या मिलती है, वुड मिलती है. हम जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं उनको क्या मिल रही है, वुड मिल रही है. अब हम इस वुड का क्या करते हैं, इट इज यूज टू मेक फर्नीचर. ये आपका जो फर्नीचर होता है, आपका टेबल, चेयर, सोफा, बेड, है ना, आपके अलमीरा, ये सब किसके बने होते हैं, वुड के. अब वो वुड कहाँ से आया, यस वी गेट दिस वुड फ्रॉम फॉरेस्ट. ओके, बोट्स, स्लेड्स एंड काउंटलेस अदर थिंग्स आर मेड ऑफ वुड्स. तो ये थिंग्स तो बहुत ही कम है, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम किससे बनाते हैं, वुड से बनाते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, पेपर इज आल्सो मेड फ्रॉम वुड. अब ये जो वुड आपकी आपने हमने जो फॉरेस्ट से ली है उससे क्या बनता है, पेपर, ठीक है. अ वाइड वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ लिव इन फॉरेस्ट. बहुत सारे जो वाइल्ड एनिमल्स है वो कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में, क्योंकि उनका नेचुरल हैबिटेट है. हैबिटेट में उनका होम है, उनका घर है, क्योंकि वो लोग वहां रहते हैं. अगर आप ट्रीज कट करोगे तो बताओ वाइल्ड एनिमल्स कहाँ जाएंगे, फॉरेस्ट. अगर हम कट कर देंगे तो वाइल्ड एनिमल्स फिर वो कहाँ रहेंगे बताओ, फिर वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, नीचे से एग्जिट हो जाएंगे. फिर आपको जैसे आपने डायनासोरस के बारे में सुना है ना, है ना, अब वो नेचर में दिखते हैं हमारे, नहीं वो एग्जिट हो गए, है ना. तो सेम थिंग होती है कि फॉरेस्ट बहुत जरूरी है एनिमल्स के लिए. तो ह्यूमन बींग्स को अपने लिए नहीं, अपना ही नहीं सोचना है, उन एनिमल्स के बारे में भी सोचना है. इसलिए हमें जो फॉरेस्ट की कटिंग है थोड़ी कम करनी चाहिए. ये जो पेपर्स को टीयर करते हो, है ना, इन सब चीज़ों का यूज कम करना चाहिए वैसे. क्यों, क्योंकि हमें अब ट्रीज को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है. तो आपके जो नोटबुक्स में जितने भी पेजेस हैं तो इनको कम टीयर किया करो. क्लियर, ओके. नाउ वी गेट हनी, मीट, स्किन, लैक, लैक जिसकी मम्मा बैंगल पहनती है ना, टोस्क, टोस्क मींस एलिफेंट. यू सी द एलिफेंट, हाँ एलिफेंट देखा है आप लोगों ने, yes, जो आप उसके जो दो जो टीथ जो बाहर निकले हुए रहते हैं जो आपने देखे होंगे उनको टुस्क बोलते हैं. क्या बोलते हैं, टुस्क. वो किस लिए यूज होती है, उसके बहुत सारी ऑर्नामेंट्स बनते हैं, है ना, कुछ अच्छे से बहुत सारे जो आपके घर में आप लोग थिंग्स रखते हो ना, जो आपके डेकोरेशन में यूज आती है, वो भी आप आर्ट होते हैं, उनको भी आप यूज करते हो एज अ डेकोरेटिव आइटम, है ना. वो जो डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं वो भी टुस्क के बने होते हैं, है ना. अब जैसे स्किन होती है, जैसे कोई आपने देखा होगा स्नेक की स्किन या टाइगर की स्किन, इन सब की स्किन से क्या बनाते हैं, जैसे आपके लेदर के तो शूज़ ही होते हैं, पर्स होते हैं, बेल्ट होती है, ये सब किसके किससे बनती है, एनिमल्स की स्किन से, है ना.
मैनी अदर यूजफुल दिस थिंग फॉर फ्रॉम फॉरेस्ट एनिमल्स। तो ये जितनी भी सारी चीजें है, चाहे वो हनी हो, मीट हो, स्किन हो, लैक हो, टस्क हो, ये इतनी सारी चीजें आपको फॉरेस्ट एनिमल से मिलती है ना, इसलिए फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मीन्स कि जो आपके ट्रीज होते हैं है ना, वो सॉइल से क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं, उनकी जो रूट्स है वो सॉइल को एक तरीके से होल्ड रखती है ना। जितने ज़्यादा ट्रीज होंगे उतनी ज़्यादा जो सॉइल होगी, मिट्टी जो होगी, वो रेनफॉल होगी तो आगे बहेगी नहीं, वो सॉइल एक ही जगह रहेगी। तो आप उसमें बहुत सारे प्लांट्स लगा सकते हो। अगर जिस प्लेस पर ट्रीज नहीं होंगे किसी भी टाइप के, तो वहाँ जो है सॉइल है वो वाटर के साथ आगे फ्लो करके चली जाएगी, बह जाएगी आगे वाटर में, तो वो किसी यूज़ में आई नहीं, आई ना, समझ में आ गया। तो द रूट्स ऑफ ट्रीज बाइंड द सॉइल। ट्रीज की जो रूट्स होती है वो सॉइल को बाइंड मतलब बांध के रखती है, एंड डू नॉट अलाउ इट टू बी वॉश्ड अवे बाय रेन वाटर। मीन्स कि जब रेन हो रही है तो रेन वाटर के साथ ये जो सॉइल है वो वॉश नहीं हो जाए, मिट नहीं जाए, वाटर के साथ फ्लो करके किसी वाटर बॉडी में नहीं मिल जाए। अगर सॉइल नहीं होएगी तो कोई भी प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। तो जितने भी उनको ज़रूरी विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, वो सब सॉइल से उनको प्रोवाइड होते हैं। समझ में आ गया, इज इट क्लियर ऑल दिस टॉपिक। एंड ब्लोन अवे बाय द विंड्स। तो जब विंड्स होती है तो आपने देखा होगा विंड से भी जो सॉइल होती है वो क्या करती है, उड़ के जाती है ना, तो वो भी नहीं होता है। अगर जिस जगह पे फॉरेस्ट ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर सॉइल इरोजन नहीं होगा, तो सॉइल के इरोजन को भी ये स्टॉप करती है। क्लियर, क्लियर, ओके। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट पीपल। अभी तो आपने फॉरेस्ट एनिमल के बारे में समझ ही लिया, फॉरेस्ट के बारे में समझ ही लिया, हाँ, लेकिन क्या आपको पता है, डू यू नो कि फॉरेस्ट में पीपल भी रहते हैं? कुछ लोग होते हैं, कुछ जो लोग होते हैं वो कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ट्राइबल पीपल्स। क्या बोलते हैं, ट्राइबल पीपल, ट्राइबल पीपल, ओके। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ ट्राइबल पीपल, ओके। दिस इज द भील ट्राइब विच इज स्टे इन मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात, ओके। दिस टाइप ऑफ इज कॉल्ड नागा, एंड दिस इज वी सी इन नागालैंड, आसाम एंड मणिपुर। तो दीज ट्राइब्स लिव इन विलेजेस, दीज ट्राइब्स लिव इन विलेजेस, ओके। सो फर्स्ट पॉइंट इज इंडिया इज अ बिग कंट्री, डिफरेंट स्टेट्स हैव डिफरेंट ट्राइब्स। क्योंकि इंडिया आपको पता है बहुत ही बिग कंट्री है ना, 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, उसके अंदर भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री, बहुत बड़ी कंट्री है ना, और हर एक अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग ट्राइब्स रहती हैं, है ना। यहाँ मैंने आपको बताया कि राजस्थान में भील आपको मिल जाते हैं, भील ट्राइब्स है ना, और ये जो नागालैंड में आपको नागा, आसाम वगैरह, मणिपुर में ये सब आपको ट्राइब्स मिल जाती हैं, है ना। These tribes differ from one another in their culture. तो इनका जो कल्चर होता है वो भी डिफरेंट होता है। सबका आपको सेम लग रहा है कॉस्ट्यूम? नहीं लग रहा ना, तो इनका अलग से इनका कॉस्ट्यूम अलग होगा है ना, इनकी लैंग्वेज अलग होगी, ठीक है, इनका फूड अलग होगा जो भी ये खाते हैं, ठीक है, इनका रहने का जो इनका तरीका है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो हर ट्राइब का अपना पर्टिकुलर लैंग्वेज होता है, ठीक है, पर्टिकुलर डांस होता है, सब कुछ इनका डिफरेंट होता है, किसी का कोई सेम नहीं होता है, ओके। इनका लैंग्वेज, कस्टम्स, कस्टम्स मीन्स इनके जो रीति रिवाज है वो भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। कॉस्ट्यूम अलग होता है, हैंडीक्राफ्ट्स एंड रिलीजन्स, ये भी इनके क्या होते हैं,
डिफरेंट होते हैं. ओके समझ में आके. तो दीज आर ट्राइबल पीपल. ट्राइबल पीपल मीन्स पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट. जो कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में रहते हैं. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट, फॉरेस्ट आर होम टू मैनी ट्राइबल पीपल. ये जो फॉरेस्ट होते हैं वो बहुत सारे ट्राइबल पीपल्स के क्या होते हैं? होम होता है. अंडरस्टूड ट्राइबल पीपल्स. ओके नेक्स्ट, डिपेंडेंसी ऑफ ट्राइबल पीपल ऑन फॉरेस्ट. डिपेंडेंसी मीन्स कैसे डिपेंड होते हैं, क्यों डिपेंड है वो फॉरेस्ट पे. ठीक है, उनकी डिपेंडेंसी के बारे में पढ़ेंगे कि जो ट्राइबल पीपल्स हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं तो अपने आप को कैसे सर्वाइव करते हैं वहां पर. ठीक है, ट्राइबल पीपल डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर फूड, वुड, फूडर, मेडिसिन, बिल्डिंग मटेरियल एंड क्लोथिंग. ओके, कुछ ट्राइबल पीपल्स आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स की लीव्स होती है, ठीक है, उसको भी बांध के रखते हैं, टाई करके रखते हैं ना. कुछ मतलब अलग अलग तरीके का उनका कॉस्ट्यूम हो सकता है. समझ में आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंड? ओके, सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट फूड. वी टॉक अबाउट फूड. वेरी गुड. सो दे ईट wild fruits. They eat wild fruits like custard apple, wood apple, amla, edible berries. Custard apple means seetaphal. Very good, seetaphal. And wood apple means bel. Kam juice banate hain amla एंड इडिबल बेरीज. जो अलग अलग तरीके की जो बेरीज होती है, जो खाने वाली बेरीज होती है, ठीक है, उसको ईट करके ये सर्वाइव करते हैं. ठीक है, दे ऑल्सो ईट रूट्स, स्टेम, फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स. हम भी ईट करते हैं, तो आपको भी पता है ना, हम भी कुछ प्लांट जैसे कि रूट्स हम किसकी ईट करते हैं? वी ईट रूट्स ऑफ कैरेट. वेरी गुड. रेडिश, दीज आर रूट्स ऑफ प्लांट. एंड स्टेम, वेरी गुड. जिंजर, ऑनियन, वेरी गुड. पोटैटो एंड फ्लावर. टमेटो इज अ फ्रूट. कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर इज अ फ्लावर. वी ईट द फ्लावर ऑफ द कॉलीफ्लावर प्लांट, है ना. सो दे गेट वेराइटी ऑफ नट्स फ्रॉम फॉरेस्ट. तो अलग अलग तरह के उनको जो नट्स है वो कहाँ से मिलते हैं? फॉरेस्ट से मिलते हैं. मीन्स वो टोटली फूड के लिए किस पे डिपेंड है? फॉरेस्ट पे. ठीक है, नेक्स्ट, बिल्डिंग मटेरियल्स. जो वो बिल्डिंग बनाते हैं उसके मटेरियल, जैसे कि वुड इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट हाउस. ठीक है, वो आपके जैसे सीमेंट ब्रिक्स इनके हाउसेस नहीं मेक करते हैं, वो वुड से बने हुए हाउसेस मेक करते हैं. मीन्स जस्ट कच्चा हाउस टाइप, है ना. लीव्स एंड ग्रास आर यूज्ड टू मेक roofs of these houses. तो प्लांट्स की जो लीफ होती है वो किसके लिए यूज होती है? रूफ्स बनाने के लिए. ठीक है, एंड वुड इज यूज एज अ फ्यूल. तो हमारे पास तो गैस सिलेंडर है, ठीक है, उनके पास गैस सिलेंडर नहीं है, तो वो किससे फूड बनाएंगे अपना? वुड को यूज करके, है ना. वो फॉरेस्ट में जाते हैं, फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं उनको कट करते हैं, ठीक है, और फिर वहाँ से बहुत सारे वुड्स लेकर के आते हैं और फिर उस पर खाना बनाते हैं. ठीक है, इसे चूल्हा बोलते हैं, चूल्हे पे रख करके खाना बनाते हैं, ना. फ्यूल फॉर कुकिंग एंड हीटिंग होम्स ड्यूरिंग विंटर. ठीक है, अब वो फूड इनका कुकिंग में तो यूज आता ही है वुड एज अ फ्यूल, और विंटर जब ज़्यादा हो जाती है तो हमारे पास तो रूम हीटर है, बट दे आर यूजिंग वुड एज अ हीटिंग. ठीक है, तो वो अपने आप को, अपना आसपास के एनवायरनमेंट को थोड़ा सा वार्म करने के लिए विंटर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, तो अपना मीन्स अपना सराउंडिंग को गर्म करने के लिए वो वुड का यूज करते हैं. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट इज फूडर. व्हाट इज फूडर? फूडर इज अ ग्रास
इज यूज्ड टू, ग्रास इज यूज्ड एज अ फूडर फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो काउ होती है, गॉट होती है, बफेलो होती है, ये लोग हर्बीवोरस होते हैं, ठीक है, ये फार्म एनिमल्स भी होते हैं क्योंकि दे गिव्स मैनी थिंग्स। जैसे कि काउ गिव्स अस मिल्क, काउ गिव्स अस मिल्क, गॉट गिव्स मीट, हैन गिव्स एग्स, है ना। तो ये अलग अलग फार्म एनिमल्स है, ठीक है। अब जैसे आपके हैंस तो ग्रेन्स वगैरह यूज करते हैं, लेकिन काउ इट्स ग्रास, तो ग्रास उनका क्या है, फूडर है, ठीक है। नेक्स्ट इज मेडिसिनल प्लांट्स। मैनी प्लांट्स लाइक नीम, सिंकोना, आमला आर यूज एज क्योरिंग डिजीज। डिजीज से बचने के लिए कुछ प्लांट्स की लीव्स वो लोग यूज करते हैं, ठीक है। जैसे नीम की यूज हो जाएगी फीवर में, ठीक है। सिंकोना की हो जाएगी यूज, सिंकोना की यूज हो जाती है जैसे स्किन डिजीज वगैरह में, इसकी यूज हो जाती है। आंवला, ठीक है, इन सब के। अब नीम की आप, है ना, स्किन की डिजीज हो जाती है, इसमें भी इस नीम को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दे आर कॉल्ड मेडिसिनल प्लांट्स। तो जो एज ए मेडिसिन यूज होते हैं, जिनको वो लोग मेडिसिन में यूज करते हैं, उनके लिए मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं। समझ में आ गया, क्लियर, हम भी यूज करते हैं इनको तो। नेक्स्ट इज स्पाइसेस। स्पाइसेस मीन्स, स्पाइसेस मीन्स, यस यस, चिली पाउडर एंड टर्मेरिक, वेरी गुड, दीज आर स्पाइसेस, मीन्स मसाले, जो कि हम डेली यूज करते हैं। तो ट्राइबल पीपल्स को भी ऑब्वियसली कहाँ से मिले, फॉरेस्ट से, और हमें भी कहाँ से मिलते हैं, फॉरेस्ट से। स्पाइसेस लाइक क्लॉव्स एंड सिनेमन आर यूज्ड इन कुकिंग। ओके, जो क्लॉव्स होती है और जो सिनेमन होती है, इनको भी हम किस में यूज करते हैं, एज अ स्पाइसेस, ठीक है। ब्लैक पेपर भी, ठीक है, क्लियर, इज इट क्लियर, ऑल द टॉपिक्स, फूड, बिल्डिंग मटेरियल्स, फूडर, मेडिसिनल प्लांट एंड स्पाइसेस, इज इट क्लियर, ओके। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जो ट्राइबल पीपल बनाते हैं, जैसे कि लीव्स टू मेक पत्तल, लीव इज यूज इन अ टू मेक पत्तल्स, बैम्बू टू मेक बास्केट्स, ग्रास टू मेक ब्रूम्स एंड मैट्स। ब्रूम्स मीन्स, यू नो, अंडरस्टूड व्हाट इज ब्रूम, वेरी गुड। रबर लेटेक्स फ्रॉम रबर ट्रीज, ऑयल फ्रॉम गुड। नेक्स्ट इज साल ऑयल एंड नीम ऑयल आर यूज इन मेकिंग सोप। ओके, वी यूज सोप्स इन अ डेली नीड, है ना, इट्स अ डेली नीड, हम डेली बात करते हैं तो सोप आपके रिक्वायर्ड होता है। तो साल ऑयल और जो नीम ऑयल होता है वो सोप बनाने में भी यूज होता है। नेक्स्ट, सैंडलवुड, व्हाट इज सैंडलवुड, सैंडलवुड, दिस इज नॉट मीन, इट इज सैंडल, वी वियर सैंडल, दिस इज नॉट, दिस इज चंदन। सैंडलवुड मीन्स चंदन, यस। तो सैंडलवुड ऑयल इज यूज इन मेकिंग परफ्यूम। ओके, इसकी फ्रेग्रेंस कितनी अच्छी होती है, हाँ, आपने कभी देखा है ये सैंडलवुड, उसका फ्रेग्रेंस कितना अच्छा अच्छा होता है, एकदम नाइस स्मेल होता है। ओके, तो दीज आर द फॉरेस्ट प्रोडक्ट लाइक पत्तल, बास्केट, ब्रूम, मैट, रबर लेटेक्स, ऑयल, ओके, परफ्यूम्स, क्लियर। दीज ऑल थिंग्स कम फ्रॉम, वेरी गुड, फॉरेस्ट। नाउ सैक्रेड ट्रीज, तो सैक्रेड मीन्स क्या होता है, इसके बारे में आपको कभी नहीं पता नहीं होगा ना, यू डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैक्रेड। ओके, देखो बेटा, ये जो सैक्रेड होता है विच इज जस्ट लाइक अ रिलीजन पर्पस के लिए, अगर आप किसी चीज को, किसी ट्री की वर्शिप करते हो, आप उसकी पूजा करते हो, ठीक है ना, है ना, तो उसे बोलते हैं सैक्रेड ट्रीज, यूज्ड फॉर
वर्शिप, आप इनको कट नहीं करते हो, आप इनकी पूजा करते हो। समझ में आ गया? तो ट्री जिसको आप एज अ वर्शिप के लिए यूज करते हो, पूजा के लिए यूज करते हैं। यस, बैनियन ट्री, तुलसी। तुलसी इज नॉट अ ट्री बट तुलसी इज अ श्रब। आमला, वेरी गुड। एंड नेम, तो दीज आर सैक्रेड ट्रीज। तो मैनी पीपल इन आर कंट्री वर्शिप नेचर। तो हमारे यहाँ पर इंडिया में हम लोग क्या करते हैं, वर्शिप मीन्स पूजा करते हैं, ठीक है। हमारे नेचर कुछ जैसे हम लोग स्टोन्स की भी वर्शिप करते हैं, हम लोग ट्रीज की भी वर्शिप करते हैं, इन सबकी पूजा करते हैं। दे वर्शिप मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इंडिया में हम प्लांट्स की तो वर्शिप करते ही हैं, एनिमल्स की भी वर्शिप करते हैं, है ना। पीपल, आमला, बैनियन, नीम, दीज आर कंसिडर एज अ सैक्रेड ट्री। सैक्रेड ट्रीज मीन्स जिनकी हम वर्शिप करते हैं या फिर पूजा करते हैं। एट रिलीजियस फेस्टिवल्स These trees are decorated and worshipped. तो कोई religious festival आता है तो इन trees को क्या करते हैं, decorate करते हैं और इनकी worship करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, है ना। जैसे कि आमला नवमी हमारे राजस्थान में होती है, आमला नवमी और बर्ड मावस, ये आपके राजस्थान के फेस्टिवल है जिस पर आप लोग इन ट्रीज की पूजा करते हो। पीपल पूनम है ना, उसमें पीपल की ट्री की वर्शिप करते हो, ठीक है। आंवला नवमी पे आंवला की ट्री की पूजा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, इट इज बिलीव दैट सच एक्ट ऑफ वर्शिप ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी, गुड हार्वेस्ट, गुड हेल्थ एंड पीस। तो लोग क्यों करते हैं इनकी वर्शिप, क्योंकि उनको ये बिलीव है कि अगर हम इन ट्रीज की पूजा करेंगे तो क्या आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, है ना, समृद्धि आएगी, खूब सारा उनके पास मनी आएगा, है ना, उनके साथ उनके पास बहुत सारी हैप्पीनेस आएगी, जॉय आएगा। गुड हार्वेस्ट में अच्छी क्रॉप होगी, गुड हेल्थ अच्छी हेल्थ मिलेगी, एंड पीस में शांति, उनके घर में क्या रहेगी, शांति रहेगी, ठीक है। तो इसलिए वो लोग इस टाइप के ट्रीज की वर्शिप करते हैं। क्लियर? ओके, सो किड्स we will do our next topic in our next class. Okay, this is enough for today. I'm asking some questions in my next class. Okay, okay beta.